थैंक यू, थैंक यू। बस 5 मिनट हम आपके लेंगे और गुजारिश कर रहे हैं सब लोग हम उनके उनसे सबसे बड़ी क्या मेमोरेंडम है आपका। हमारी एक गुजारिश है, हाल ही में एक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकला है रिट्रीवल ऑफ स्टेट लैंड, उसमें तहसीलदार कंसर्न ने एक ऑर्डर निकाला है तो ऑनलाइन हम लोग जहाँ स्टेट लैंड के लोग अगर बसर गुजर भी कर रहे हैं उनको भी 31 जनवरी से पहले वो खाली कर, वरना सरकार खाली भी करवाएगी और प्लस जो वो गिराने में खर्चा होगा वो भी सरकार को देगा। अब मेरी बहुत माना गुजारिश है तमाम पुंछ के वासियों की तरफ से आपसे, तमाम इलाके मुख्तलिफ पंचायतों से सब लोग आ रहे हैं, ज्यादा हमें आपको तकलीफ इसलिए नहीं दी क्योंकि एक तो दफ्तर है आपका, ज्यादा टाइम ना ले, और हर इलाके में इस वक्त एक आवाज उठ रही है, वो आवाज ये है कि हम गुजारिश करें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आपके कई, हम गवर्नर साहब से एमपी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा रहा जो जमीनें ठीक है हम मानते हैं ये स्टेट की पोजेशन में नहीं है, कुछ लोगों के पोजेशन में है जो स्टेट लैंड है, सरकार की जमीन है ये नहीं मानते, लेकिन जहां गरीब अवाम इस पे अभी आज के वक्त में बसर गुजर कर रही है, खसूस बॉर्डर का बैंक है, आप इस इलाके से बात नहीं पा सकते, इतना वक्त आपको इस इलाके में हो गया आप जानते हैं बॉर्डर के इलाके के लोगों की परेशानी, कई गरीब लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उस जमीन पे अपने रिहायश के लिए दो कमरे, तो हमारी गुजारिश ये है कि कम से कम उनका वो आशीर्वाद से आशीर्वाद, या कहीं एक बेचारा गरीब आदमी है बेरोजगार नौजवान है उसने अपनी दुकान चला रहा है इस पे खर्चा करके वो अपने शाम को गुजारा अपने घर वालों का परिवारों का करता है, कहीं किसान है जिनके पास छोटी मोटी जगह है उन्होंने दो कमरे बसर के लिए, तो लिहाजा हमारी बहुत माना गुजारिश है इस ऑर्डर पे दोबारा से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर नजरसानी करनी चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे जो गरीब आवाम है जो बीपीएल के दायरे में जो किसान है जो मजदूर पेशा है जिनके पास रिहायशी जगहें और कई दुकानें हैं उसको इसमें इससे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि लोग इस वक्त आप जानते हैं परेशान है, बहुत परेशानी है, चारों तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं, सर्दी का मौसम है लोग अब हम लोगों की आवाज बनकर आपके सामने आए हैं, जो गरीब लोग हैं जो किसान हैं जो मजदूर हैं वो तबका है जिसमें जिन्होंने अपना रिहायशी कुछ बनाया है या अपनी दुकानें बनाई हैं रोजगार का कोई काम उस जमीन के इस्तेमाल से करते हैं, तो उनको आप इस दायरे से बाहर कर आपका मेमोरेंडम जो है वो हायर अथॉरिटीज को पहुंचा देंगे, बिल्कुल हम शुक्र गुजार रहेंगे कि आकर जो छोटा सा ये रेजोल्यूशन आपको तमाम पुंछ की आवाम की तरफ से है, हालांकि मैं उनकी आवाज बन के आपके सामने आई हूँ बट ये तमाम पुंछ की आवाम की तरफ से जो इस जिनका असर जिन पर इस ऑर्डर का पड़ता है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फिर कभी आज आप मीटिंग से आए उसके लिए शुक्रिया।